तो फिलहाल अभी हम आ गए हैं भजी की दुकान में और हम लोगों ने भजिया जो है ले लिया है। आप देख सकते हो वहाँ पर जो है भजिया बन रहा है। द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का दिन थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल्ड है आज हमारा। आज घर की जो है साफ सफाई चल रही है, जो भी अनवांटेड जो भी कचरा या अनवांटेड थिंग्स है उसे हम निकाल कर फेंक रहे हैं। तो आज जो है लंच में सिर्फ एक दाल राइस बनने वाला है और मुझे कुछ जो भजिया वगैरह जो होता है मैं बाहर से लेके आऊँगा, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो भजिया खाने का एक मज़ा ही कुछ और है। तो फिलहाल चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा गर्मी का भी आनंद लेते हैं। मुझे बारिश में एक चीज़ बहुत ही गंदा लगता है कि बारिश के वक्त रास्ते का हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है, गड्ढे वड्ढे पड़ जाते हैं और अननेसेसरी कचरे, काफ़ी सारे कचरे जो है वो आपको देखने मिल सकता है। तो फिलहाल चलो अब चलते हैं, हम आज बटाटा वड़ा लेंगे या फिर भजिया लेंगे। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं, दोस्तों से ही मुलाकात करते हैं। और आज एक प्योर मैंने एक लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, आज हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा घूमेंगे वगैरह, देखेंगे कि आसपास और क्या क्या है। तो गाइस अभी भी चल रहा है लाइव, जो आप पीछे देख सकते हो जेसीबी की खुदाई वायरल अभी भी चल रहा है और वहाँ पर आप देखिए जो है जेसीबी की खुदाई। तो चलो देखते हैं यार, पूरा जो है सोशल मीडिया उसके पीछे ही पड़ा हुआ है, तो एक बार जाके देखते हैं और लाइव देखते हैं। आप देख सकते हो वहाँ पर खुदाई कर रहा है जेसीबी। तो चलो यार चलते हैं वहाँ पर। सो गाइस दिस इज़ आलू का भजिया एंड दैट्स दाल का भजिया। तीन किस्म के दाल से जो बनता है वो है। वड़ा पाव का जो वड़ा है वो आज अवेलेबल है नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाता था। और ये जो है ये भजिया बन रहा है और ये है ताई का स्टॉल। और इनकेस अगर आप कुरला कैंप अगर कभी आप आते हो तो ये स्टॉल में आप आके वड़ा पाव टेस्ट कर सकते हो, भजिया वगैरह काफ़ी अच्छा बनता है। हम लोगों ने भजिया जो है ले लिया है, आप देख सकते हो वहाँ पर जो है भजिया बन रहा है और यहाँ पर भी जो है भजिया रखा हुआ है। तो लंच टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं अभी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1:25 हो रहा है। सो हल्का हल्का जो है बारिश स्टार्ट हो गया है और हमने हमारा जो है पार्सल हमने ले लिया है। तो फिलहाल चलते हैं घर, जितना जल्दी हो सके घर में घुसते हैं। कैमरा गियर्स कैन गेट अफेक्टेड बाय द रेन वाटर, तो यार चलो फिलहाल जल्दी जल्दी घर में घुसते हैं। यूजुअली हम कहते हैं कि ऑयल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं रास्ते पर जो मिलते हैं वो खाने से तबीयत ख़राब होता है, प्रॉब्लम्स आती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक दिन तो चलता ही है। वैसे ही तो हमारे बॉडी में कितना कुछ गंदगी जो है भरा पड़ा है, तो एक दिन तो चलता ही है। तो मुझे भी लगा क्यों ना फॉर अ चेंज आज ये चीज़ जो है हम मिला के हम खाएँ। तो फिलहाल मैं अपना लंच कर लेता हूँ, लंच करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। आज जो है मैं कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में या गवर्नमेंट के जो स्कीम्स जो है आए हैं मार्केट में, वो कितने हद तक पब्लिक लोगों के साथ कुछ चीज़ों में आप देखोगे कि वो काइंड ऑफ फ्रॉड हो रहा है, तो डिस्कस करते हैं उस चीज़ों के बारे में जो मैंने पर्सनली जो मैंने फील किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं कन्फर्मली नहीं कह सकता कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, बट एज ए कहते हैं ना कि बींग अ पर्सन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री और सिटीजनशिप में, अगर मुझे ऐसे गवर्नमेंट का स्कीम मुझे अगर दिखता है और मैं उस पर एप्लीकेशन का फॉर्म में फिल करता हूँ, उसके बाद अगर मैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा हूँ, दिक्कत फेस कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो फिलहाल मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। वेलकम बैक गाइज। हर एक वीडियो में हमारी एक कोशिश रहती है कि क्यों ना हम एक छोटा सा मैसेज जो है या टिप काइंड ऑफ थिंग होता है क्यों ना हम दें। तो इस वीडियो में मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि आज जो भी नए व्लॉगर हैं, जो भी नए स्टार्ट किए हैं चैनल, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं,
सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग ये करना है कि आप जिस लाइन में आ गए हो वो एक शो बिजनेस है, वो एक कहावत है, जो दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है। तो आप शो बिजनेस में आ गए हो तो आपको टू सम एक्सटेंट अपने काम में फोकस करना है, अपना काम प्रॉपरली करना है। दुनियादारी, दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं, कोई हंस रहा है आपके ऊपर, कोई मजाक उड़ा रहा है आपका, उस सब को आपको इग्नोर करना है। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा, जो चीज़ अननेसेसरी के कॉम्प्लिकेशंस आपके ऊपर क्रिएट करे उन सब चीज़ों को इग्नोर करना होगा, ठीक है। तो मैं एक आप लोगों से किस्सा एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक फेलो यूट्यूबर है जिनका एक चैनल है, उन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड किया था और गर्ल यूट्यूबर है वो, ठीक है। तो जैसे ही वो अपलोड करती है तो कोई एक यूट्यूबर उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर अपना जो आईडी है उसके ऊपर वो चिपका देता है, ठीक है। तो जो मेरी फ्रेंड यूट्यूबर है उसने उसे कमेंट के थ्रू, प्लस उसने एक न्यू फ्रेश वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उसने अपने राइट्स के लिए या अपना जो कहते हैं ना काइंड ऑफ प्रोटेस्ट करना है चीज़ को लेकर उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो पे हम लोगों ने भी कमेंट किया, उस वीडियो में उन्हें काफ़ी सारा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। अल्टीमेटली वो जो लड़का था जिसने उसने जो वो हरकत किया था उसने उस वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर दिया, बट एट द सेम टाइम अपने आईडी पे जो उसने फोटो रखा था वो भी उसने चेंज कर दिया। अब मैं जानता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड की हम जनरोसिटी से हम कहते हैं उसने उसे माफ़ कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो उम्र में भी छोटा था लड़का, उसने उसे उसको माफ़ कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यूवर्स वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो देखो ना यार, आप लोग क्यों किसी का स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अपने चैनल के आईडी पर आप उसका फोटो लगा रहे हो, दिस इज इलीगल, ये काइंड ऑफ इलीगल है। वो चाहती तो वो लड़की उसके ऊपर केस कर सकती थी, काफ़ी सारे लीगल एक्शन उसके ऊपर ले सकती थी, स्ट्राइक दे सकती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना ही करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग वीडियो देखिए, उस यूट्यूबर के काम को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। दूसरा बात है व्यूअर्स लोगों के लिए, तो मुझे आजकल ये काफ़ी ऑड लग रहा है कि यूट्यूब में कोई भी वीडियो आ रहा है आप लोग उनको देख रहे हो, भले वो बंदा कुछ भी दिखा रहा है जिस कंटेंट का कोई सर पैर नहीं होता। एट द सेम टाइम अगर उस कंटेंट को आप प्योरली बैठ के जब सोचोगे तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये बंदा क्या दिखा रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वीडियोज जो है मेहनत करके बना रहे हैं, भले कंटेंट हम उतना अच्छा नहीं दे पा रहे पर हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे एक अच्छा कंटेंट लाए, एक वीडियो बनाए, मेहनत करते हैं, जैसे भी अपनी एबिलिटी हो उस हिसाब से हम वीडियोस को बनाते हैं। तो आप लोग उसमें व्यूज़ देते ही नहीं हो, आप लोग को पसंद ही नहीं आता है। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं, मैंने आज ही एक वीडियो देखा जिसमें एक ऐसा होता है सीन कहाँ पर कोई ऑन द रोड सुसु वगैरह कर रहा है तो बंदा जाता है ढोल बजाता है, तो मुझे किधर ना किधर लगा कि ठीक है वो कर रहा है, एक सोशल कॉज है जहाँ पर वो ऐसे करके लोगों को जागरूक कर रहा है। बट एट द सेम टाइम उस वीडियो में मैंने देखा कि काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग थे जो 65-70 एज था, वो रास्ते के किनारे कोने में सुसु कर रहे थे। तो ये बंदा लिटरली उसके पास उसके सामने जाता है, जाने के बाद ढोल वगैरह पीटता है, उसे मेडल वगैरह देता है और काफ़ी इंसल्ट उसे करता है। तो मुझे एक बात लगा कि पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, पब्लिक देख रही है, एंड यू वोंट बिलीव फेसबुक पेज में उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज है। तो मुझे आप बताइए, एक 70 साल का एक बूढ़ा, उसे अगर इमरजेंसी में टॉयलेट अगर लगता है तो अगर उसका जो पब्लिक टॉयलेट है वो 1.5 किलोमीटर दूर अगर है तो क्या बंदा वो उतना जल्दी जाके वहां पर सुसु कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रायोरिटीज आप देखिए, अगर वो बंदा एजेड है तो उसे नियर बाय में ही करना होगा क्योंकि उसे उस चीज का कॉम्प्लिकेशन होगा ही, इसलिए वो वहां पर कर रहा है, ठीक है। वीडियो की अगर हम बात करें, अगर वो बंदा यंग जनरेशन जो भी है वो वहां पर जाके कर रहे हैं, उनके साथ अगर ये चीज कर रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है चलो भाई आप कर रहे हो ठीक है, बट बूढ़े लोगों को तो आप स्पेयर करो यार, बूढ़े लोगों को तो आप कंसिडरेशन करो थोड़ा। आपके भी घर में दादाजी वगैरह होंगे जिनकी ऐसी कंडीशन होगी, तो आप कैसे किसी को वीडियो करके कैसे आप किसी को यार आप काइंड ऑफ डिफेम आप कर रहे हो या किसी का मजाक उड़ा रहे हो? देखिए कैमरा है आपके पास, कैमरा को एज ए वेपन आप यूज कीजिए अच्छे कॉजेस के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए व्यूअर आप लोगों को भी समझना है कि आपको कौन से वीडियो को लाइक करना है, कौन से वीडियो को डिसलाइक करना है, किसे अप्रिशिएट करना है, किसे नहीं। सो गाइज, अभी हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज की। कुछ दिनों पहले जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जब प्रधानमंत्री जो है फिर से दोबारा इलेक्ट हुए, तो उस वक्त सोशल मीडिया में काफ़ी सारे मैसेजेस वायरल हो रहे थे जिसमें से एक मैसेज था
जहां पर जीतने की खुशी पर जो गवर्नमेंट है वो फ्री में लैपटॉप्स वगैरह दे रही है, ठीक है। तो वो मुझे मैसेज आता है, मैं मैसेज खोलता हूँ और एट द सेम टाइम मैंने मैसेज खोल के गूगल पे मैंने सर्च किया, तो मुझे लगा कि ना किधर ये कोई स्कीम आई थिंक है। तो उस स्कीम में था कि ऑलरेडी जो है 3 लाख लैपटॉप ये दे चुके हैं और भी लकी विनर है, 2 दिन का उसमें टाइम है आपको उसके अंदर सब कुछ जो फॉर्म होता है भरना है। तो मैंने ऑनलाइन फॉर्म मैंने फिल किया, उसके अंदर काफ़ी सारे डिटेल्स वो पूछ रहे थे, तो मैंने उनके बारे में अपना फ़ोन नंबर रीज़न कि लैपटॉप आपके पास है, आपका एज क्या है, प्लस लैपटॉप आपके पास है या नहीं है, तो मैंने वो डिटेल्स वगैरह भर दिया, ठीक है। भरने के बाद मुझे विद इन 10 ग्रुप्स में मुझे शेयर करने के लिए कहा, और शेयर करने के बाद ही वो एक कोड जो है आपको मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। तो मैंने 10 ग्रुप में मैंने शेयर किया, ठीक है। शेयर करने के बाद मुझे रजिस्ट्रेशन कोड मुझे मिल गया। मिलने के बाद यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे मेरे फ़ोन पर टेलीकॉलर्स का कॉल आना शुरू हो गया, एंड मेरा जो फ़ोन है, मेरा जो नंबर है उसमें DND एक्टिव है, तो आई वोंट गेट एनी काइंड ऑफ टेलीकॉलिंग्स कॉल, मुझे कभी भी वो सब कॉल आता नहीं है, टोटली बैंड है मेरे इसमें। तो जैसे ही मैंने वो फॉर्म फिलअप किया, वेरी नेक्स्ट डे मुझे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, हर एक चीज़ के मुझे कॉल आना शुरू हो गए। तो मुझे एक अजीब सा लगा, किधर ना किधर मुझे लगा कि कल जो डिटेल्स मैंने भरा था, जो डिटेल्स मैंने डाल दिया, वो डिटेल्स का ऐसा मिसयूज़ हो रहा है, जहाँ पर मैंने एक डिटेल्स डाल देता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे लैपटॉप मिलता है तो क्या बुरा है उसमें। हर कोई बंदा, मेरे ऐसा जो भी बंदा रहेगा वो भी सोचेगा अगर मिल रहा है तो क्यों ना लूँ, मैंने भी वही सोच के मैंने किया। बट अगर कोई इस किस्म का काम करके आपसे आपका नंबर निकालता है, डिटेल्स वगैरह ले लेता है, उसके बाद आपको टेलीकॉलिंग के कॉल्स आते हैं, वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं आपके थ्रू, तो ये गलत है, मुझे ये गलत लगता है, और मैं आप लोगों को मैसेज में दिखाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो भी ऐसा सब काम कर रही है या जो गवर्नमेंट के नाम पे ये सब काम कर रहे हैं, उन सबको मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा सब काम आप बंद कर दो। ऐसे आप अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट का भी नाम खराब कर रहे हो और पब्लिक के मन में एक काइंड ऑफ कहते हैं ना ट्रस्ट जो है आप खराब कर दे रहे हो। अगर आप कभी जेन्युइनली भी कोई स्कीम लाओगे तब भी हम डाउट करेंगे कि भाई ये स्कीम को हमें लेना है या नहीं लेना है। तो सब पब्लिक लोगों से भी मेरा जो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्कीम आता है या ऐसे किस्म के मैसेजेस आते हैं तो प्लीज़ उसे एक बार अच्छे से देखिए, गूगल में सर्च कीजिए, कन्फर्म होने के बाद ही फॉर्म भरिए और योर ओन रिस्क, अपने रिस्क पर ही भरिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, मुझे ऐसे ही फील हुआ कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ इस काइंड ऑफ व्लॉग के हिसाब से। और कुछ ही महीनों में हम ट्रैवल वीडियोस डालना शुरू करेंगे, मैं ट्रैवल करने का मेरा जो प्लान वगैरह है, प्रोग्राम्स वगैरह मेरा बन रहा है। और इसके साथ ही जो भी मेरे व्यूअर्स है जो मुझे मैसेज करना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे फेसबुक फैन पेज का, आप वहाँ पर जाके उसे फॉलो भी कर दीजिए और मैसेज ऑप्शन में आप मुझे मैसेज भी कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो भी फर्स्ट टाइम आज विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, आज आ गए हैं, तो प्लीज़ आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास ही में एक बेल आइकन है, उसे भी आप दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर।